तो ये चैप्टर वन है ई कॉमर्स का इंट्रोडक्शन। तो ई कॉमर्स क्या होता है? ई कॉमर्स होता है जहां पर जो भी चीज इंटरनेट के थ्रू काम हो, जहां पर भी इंटरनेट के थ्रू काम होता है हम लोग उसको ई कहते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉनिक। और ई कॉमर्स मतलब, कॉमर्स मतलब हो जाता है हम लोगों का बिजनेस। ठीक है, तो ई कॉमर्स हम लोगों का यही है। स्क्रीन दिखाई दे रहा है? हाँ ठीक है, तो बेसिकली ई कॉमर्स इज बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटीज। ई कॉमर्स क्या है? इलेक्ट्रॉनिकली बिजनेस करना, मतलब जो भी चीज में हम लोग बाइंग और सेलिंग करते हैं बट विद द हेल्प ऑफ डिजिटल मीडिया, इंटरनेट के हेल्प से हम लोग जो करते हैं। तो ई कॉमर्स स्टार्टेड विद द सेल ऑफ कैनबीज का मतलब क्या है? इज ऑल्सो नोन एज मैरिजुआना। ये एक ड्रग्स था एक्चुअली। सबसे पहला चीज जो इंटरनेट पे बिका था, इंटरनेट पे सेल हुआ था, सेल परचेज होता था, वो यही था। तो ये याद रखना, ये एमसीक्यू में दे सकता है कि सबसे पहला चीज क्या था जिससे ई कॉमर्स स्टार्ट हुआ था, वो यही था। इट इज अ ड्रग फ्रॉम द कैनबीज प्लांट। टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स, ई कॉमर्स कितने टाइप का होता है, इससे एमसीक्यू बहुत भर भर के पूछेगा। तो ई कॉमर्स कितने टाइप का होता है? सबसे पहला है B2C। ई कॉमर्स मतलब इलेक्ट्रॉनिकली बिजनेस करना, सिंपल। इलेक्ट्रॉनिकली बिजनेस करना इज ई कॉमर्स। तो कितने तरीके से इलेक्ट्रॉनिकली बिजनेस होता है? सबसे पहला है B2C, मतलब बिजनेस टू कस्टमर। ठीक है, एक सेकेंड। उसके बाद बोल रहा है B2C का मतलब है बिजनेस टू कंज्यूमर। इट इज द मॉडल टेकिंग बिजनेस एंड कंज्यूमर इंटरेक्शन। इससे क्या होता है? बिजनेस और कंज्यूमर के बीच में कंसर्न ये बात होता है। जैसे सबसे बेस्ट बताएं तो हम लोग जो फ्लिपकार्ट के थ्रू करते हैं, बिजनेस टू कंज्यूमर, मतलब हम एक बिजनेसमैन है, हम अपना प्रोडक्ट फ्लिपकार्ट में बेच रहे हैं, तुम लोग कंज्यूमर हो, तो डायरेक्टली तुम लोग मेरे से प्रोडक्ट खरीद ले रहे हो फ्लिपकार्ट के थ्रू। मतलब फ्लिपकार्ट एक ई कॉमर्स है, फ्लिपकार्ट एक इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस का जगह है। वहां पे डायरेक्टली सेलर से हम डायरेक्टली तुम लोगों को सामान भेज रहे हैं, कोई बीच में इंटरमीडियरी नहीं है, हम डायरेक्टली तुम लोगों को सामान भेज रहे हैं। तो कॉन्सेप्ट इज टू सेल द प्रोडक्ट ओनली थ्रू ओनली टू कंज्यूमर। यहाँ पे प्रोडक्ट सिर्फ कंज्यूमर को बेच सकते हैं, कोई बिजनेसमैन आके मेरे से कुछ नहीं खरीद सकता है। ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहा है फिर? बेनिफिट्स ऑफ B2B। बेनिफिट्स ऑफ B2B मतलब बिजनेस से बिजनेस ट्रांजैक्शन करेगा। जैसे तुम लोग को एक साइट बताते हैं, इंडिया मार्ट। इंडिया मार्ट में ना बिजनेसमैन फ्लिपकार्ट जैसा ही है, पूरा सब कुछ फ्लिपकार्ट जैसा है, बट कभी इंडिया मार्ट से देखना हम कंज्यूमर शॉपिंग नहीं करते, क्योंकि इंडिया मार्ट में जो सेलर होते हैं वो एक दो पीस कुछ सेल नहीं करेंगे। ये लोग ना एक बार में 1000 टॉप लेना होगा, राइस ले रहे हैं तो 100 kg राइस लेना होगा, 500 kg राइस लेना होगा, ये लोग एक दो केजी कुछ नहीं भेजेंगे। मतलब अगर हम लोग अमेजन पे जाके 1 kg राइस खरीदना चाहते हैं तो दे विल सेल, बट इंडिया मार्ट में अगर बोलेंगे 1 kg राइस भेज दो तो वो नहीं भेजेगा, और यहाँ पे कम दाम में मिलेगा सारा सामान, क्योंकि एक होलसेल मार्केट है। यहाँ पे बिजनेसमैन से ही खरीदता है। यहाँ पे GST नंबर पहले सबमिट करना होगा, या फिर अपने बिजनेस का नाम सबमिट करना होगा, तभी सेलर हम लोगों को कुछ सेल करेगा। तो इसको कहते हैं B2B, बिजनेस टू बिजनेस ही सेल होगा। तो ये एनकरेज करता है बिजनेस ऑनलाइन, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट इजी हो जाता है, बायर और सेलर डिटर्मिनेशन इज इजी, ट्रेड गाइड्स। मीनिंग क्या है ये? इट इज अ मैन्युफैक्चरर सेलिंग। जो हम बोले कि ये मैन्युफैक्चरर डायरेक्टली होलसेलर या रिटेलर को बेचता है, जैसे इंडिया मार्ट, अली बाबा, एक्सेट्रा। तो एक बिजनेस है जो मैन्युफैक्चरर है, सोचो वेबसाइट है इंडिया मार्ट। तो इस इंडिया मार्ट में मैन्युफैक्चरर डायरेक्टली होलसेलर को कुछ दे पाएगा? होलसेलर डायरेक्टली रिटेलर और कस्टमर को तो दे ही सकता है, होलसेलर से रिटेलर और कस्टमर खरीद सकते हैं, बट मैन्युफैक्चरर से डायरेक्टली होलसेलर खरीदेगा इस वेबसाइट से, क्योंकि होलसेलर ही 500 kg 1000 kg सामान खरीदता है। तो ये फिर इसको सब गुड सप्लाई कर देगा, ये बिजनेस टू बिजनेस है। नेक्स्ट है हम लोगों का C2B, कंज्यूमर टू बिजनेस। कंज्यूमर बिजनेस को कब बेचता है सामान? फ्रीलांसर। फ्रीलांसर क्या है? सोचो हम
कोई प्रोडक्ट जैसे ओएलएक्स है, कह सकते हैं, नहीं ओएलएक्स नहीं बोल सकते, वो बिजनेस को नहीं बेचता। जैसे हम लोग बोल सकते हैं, हम लोग कोई, सोचो आज हम घर पे अचार बनाते हैं, तो हम क्या किए, कोई अचार बनाकर उसको पोस्ट कर दी। अब कोई बिजनेस मेरा देख लिया, कोई अचार का बिजनेस करता था वो देख लिया, तो वो मेरे को बोलेगा कि तुम अपना अचार बना कर दो। तो बेसिकली एक कस्टमर है जो इस वेबसाइट में जाकर अपना प्रोडक्ट पोस्ट किया या अपना सर्विस पोस्ट किया, और वो एक बिजनेस है जो उसका गुड्स या सर्विस हायर कर लिया। सोचो हम टीचर है, हमको पढ़ाना है, तो हम क्या किए, एक वीडियो बना दिए ऐसे ही कि हम एक लेक्चर, सोचो ये जो हम पढ़ा रहे हैं इस वीडियो को हम कहीं पे पोस्ट कर दिए वैसे किसी वेबसाइट पे। अब हम वैसे किसी वेबसाइट पे जाकर जो फ्रीलांसर काम करते हैं, फ्रीलांसर मतलब जो पार्ट टाइम ये काम करते हैं, किसी के साथ, किसी का एम्प्लॉय नहीं है, हम मेरे को पैसा दो, हम बस ये चैप्टर पढ़ा देंगे, उस तरह से। तो इसके लिए काफी सारा वेबसाइट्स होता है, तो उसमें टीचिंग फ्रीलांसर की तरह काम करते हैं टीचर्स, तो वहां पे हम अपने वीडियो पोस्ट कर दी। तो किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट को, किसी बहुत बड़े सेंटर को वो पसंद आया मेरा वीडियो, तो वो तो बिजनेस यूनिट है। मैं तो एक ऐसी कस्टमर हूँ, मेरा कोई बिजनेस नहीं है, वो मेरे को कॉल किया और बोला बहुत अच्छा पढ़ाती है, हमारे यहाँ इकोनॉमिक्स का सिर्फ 2 महीने के लिए क्लास दे दो। तो मैंने कहा ठीक है। तो उस तरह से कस्टमर बिजनेस को प्रोवाइड कर रहा है, तो कंज्यूमर डिमांड्स स्पेसिफिक प्रोडक्ट और सर्विसेज फ्रॉम रेस्पेक्टिव बिजनेस। तो हम डिमांड कर रहे हैं ना कोई काम, एग्जाम्पल फ्रीलांसर, फीवर्स एक्सेट्रा, इट इज रिवर्स ऑफ बी टू सी। फिर सी टू सी जो हम लोग ओएलएक्स पे जानते हैं, कस्टमर कस्टमर को ही बेचता है, ईबे। तो कंज्यूमर टू कंज्यूमर, इट मींस दैट अ कंज्यूमर वुड कॉन्ट्रैक्ट अ बिजनेस इन इज सर्च फॉर अ सुइटेबल कस्टमर, इट इज आल्सो कॉल्ड सी टू बी टू सी। मतलब एक कस्टमर कस्टमर को बेच रहा है बट एक बिजनेस के थ्रू, उसमें भी वो अपना कोई बिजनेस बना रहा है। ओएलएक्स, ईबे, ईबे जैसे कि बिजनेस है, ये भी बीच में कमीशन लेता है। ओएलएक्स फ्री है बट ईबे बीच में कुछ कमीशन ले लेता है, तो ये भी तो बीच में एक बिजनेस कर रहा है। फिर है पीयर टू पीयर, मतलब पी टू पी, शेयरिंग ऑफ कंप्यूटर रिलेटेड फाइल्स, दे कैन शेयर कंप्यूटर रिसोर्सेज। जैसे अगर कोई मेरे को कंप्यूटर के लिए डेटा चाहिए, तो एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर को कुछ ट्रांसफर कर रहा है, कंप्यूटर कंप्यूटर को सेल कर रहा है। जैसे सोचो कि मेरे को कोई कोई सॉफ्टवेयर चाहिए, तो एक सॉफ्टवेयर मतलब ये तो कंप्यूटर टू कंप्यूटर नहीं होता है, बट ऐसा कोई फाइल जो कंप्यूटर से कंप्यूटर में ट्रांसफर हो जाता है, मतलब सेल हो रहा है कंप्यूटर से कंप्यूटर में। ये कोई प्रोडक्ट नहीं है जो तुम लोग हाथ में ले लोगे, कह सकते हो कोई सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर आकर देखना, कोई तुमको कुछ देता नहीं है जिसको तुम खरीद के ले आएंगे हम लोग, वो ऑटोमेटिकली मेरे कंप्यूटर पे इंस्टॉल कर देता है, डाल देता है मेरे कंप्यूटर में, और मतलब हम उसका चीज खरीद लिए। ये है पीयर टू पीयर, जिसमें कोई सामान नहीं है जो हम हाथ में ले लेंगे। ये इतना सारा फॉर्म्स है ई कॉमर्स का, इतने तरीके से ई कॉमर्स हो सकता है। फिर फॉर्म्स ऑफ ई कॉमर्स, जी टू बी, गवर्नमेंट टू बिजनेस। गवर्नमेंट टू बिजनेस क्या है, गवर्नमेंट कुछ बिजनेसमैन के साथ डील कर रहा है। सी टू जी, कस्टमर टू गवर्नमेंट, या फिर सी फॉर सिटीजन टू गवर्नमेंट भी होता है। तो ये जस्ट फॉर्म है, इतना डिटेल में नहीं जाएंगे हम लोग। कैटेगरी ऑफ ई कॉमर्स, ई कॉमर्स का कितना कैटेगरी है ये याद रखना। ई कॉमर्स को 2 कैटेगरी में बांटा गया है, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2। कैटेगरी 1 के अंदर का आइटम्स याद रखना, ये एमसीक्यू में पूछता है, बिजनेस बेस्ड ऑन द टाइप्स ऑफ गुड्स सोल्ड। कैटेगरी 1 है ऐसा बिजनेस जिसमें देखा जाए, ऐसा बिजनेस जो कुछ बेच रहा है, जैसे पहला कन्वेंशनल गुड और सर्विसेज, जैसे ऑनलाइन सर्विसेज बिकता है, जैसे अर्बन क्लैप। अर्बन क्लैप क्या कर रहा है, मेरे को कोई गुड्स आके नहीं बेच रहा है, देखा जाए तो गुड वो मेरे को, सोचो हम हेयर कटिंग करवा रहे हैं तो वो शैम्पू भी कर रहा है, वो सोचो मेरे को, जैसे अगर सोचो कोई वैक्स कर रहा है, तो वो वैक्सिंग के टाइम पे उसका हनी हनी वैक्स भी खरीद रहा है, रियल में वैसे नहीं खरीद रहा है बट उसका गुड्स यूज कर रहा है, उसका सर्विस भी यूज कर रहा है, उसका गुड्स भी। जैसे बहुत सारा सर्विस ऐसा होता था जिसमें बोलता था मैडम आपको अपना सारा सामान देना होगा, हम आके कर देंगे, तो वो होता है
वो कन्वेक्शनल गुड्स और सर्विस नहीं है। कन्वेक्शनल होता है जिसमें किसान जाला मेरे को गुड्स भी देगा और सर्विस भी देगा, पूरा देगा, हम उसको कुछ नहीं देंगे, ये अर्बन क्लैप है। डिजिटल कंटेंट, डिजिटल कंटेंट में क्या होता है, वो मेरे को आके हाथ में कुछ नहीं देगा, वो मेरे को टीवी में कुछ कंटेंट दे रहा है, देखने के लिए मूवी दे दे रहा है, सॉन्ग्स दे रहा है, सीरियल दे रहा है। जैसे आजकल ओटीटी प्लेटफॉर्म है, इसमें हम लोग उसको पे करते हैं और वो मेरे को मेरे घर भी नहीं आता है कोई आदमी, ना मेरे को कुछ टैंजिबल देता है जिसको हम छू सके, वो मेरे को, हम उसको पैसा दे रहे हैं, वो मेरे को मूवी देखने दे रहा है, इसको डिजिटल कंटेंट कहते हैं। मेटा सर्विस क्या होता है, जैसे गो डैडी है, सेटअप अ वेबसाइट, हम अपना वेबसाइट ये सब बना सकते हैं, पर इसके लिए मेरे को डोमेन खरीदना पड़ता है। डोमेन क्या है, अब डोमेन को हम देख भी नहीं सकते हैं डिजिटल कंटेंट की तरह, और कन्वेक्शनल गुड की तरह हाथ में भी नहीं ले सकते हैं। मेटा सर्विस होता है जिसमें हम अपना डोमेन खरीदना, मतलब जैसे अगर हम अपना एक शॉप बनाना है, सोचो मेरे को एक शॉप बनाना है, तो कपड़े का एक दुकान खोलना है, तो हमको उसके लिए जमीन खरीदना पड़ेगा या जमीन लेना पड़ेगा रेंट में, पर एक जमीन तो होना चाहिए, एक प्लेस तो होना चाहिए। तो फिजिकल वर्ल्ड में एक प्लेस होता है जिसको हम शॉप कहते हैं, इंटरनेट के वर्ल्ड में जो प्लेस होता है उसको डोमेन कहते हैं। डोमेन मेरे लिए हम खरीद लेते हैं या फिर हम रेंट में लेते हैं। डोमेन एक जगह है जहां पे हम ना वेबसाइट खोलते हैं, तो जमीन एक जगह है जहां पे हम ना शॉप खोलते हैं, डोमेन एक जगह है जहां पे हम अपना वेबसाइट खोलते हैं। वेबसाइट को भी इंटरनेट पे जगह चाहिए, तो वो जगह खरीद रहे हैं, बट वो जगह दिखता नहीं है, वो जगह खरीदे हैं हम, उसको मेटा सर्विस कहते हैं। तो तीन तरीके से लोग बिजनेस करते हैं, पहले तो कन्वेक्शनल गुड और सर्विस जिसमें वो गुड्स बेचता है, सर्विस बेचता है, डिजिटल कंटेंट में वो मेरे को डिजिटली सामान बेच रहा है, मेरे हाथ में कुछ नहीं आ रहा है बट हम देख पा रहे हैं उसको, एंजॉय कर पा रहे हैं। मेटा सर्विस होता है जगह खरीदना, बट इंटरनेट पे जगह खरीदना जिसे हम देख भी नहीं सकते हैं और कोई गुड्स हाथ में भी नहीं आ रहा है बट हमने खरीदा है। ये है टाइप्स ऑफ गुड सोल्ड टाइप का बिजनेस। एक है नेचर ऑफ पार्टिसिपेंट, कैसे कैसे पार्टिसिपेंट है यहाँ पर, जो अभी ऊपर पढ़े 6 टाइप का, B2B, B2C, C2B, C2C, G2B, G2C, इतने तरीके का ये पार्टिसिपेंट आते हैं। कैटेगरी 2 में टाइप ऑफ गुड सोल्ड आता है कैटेगरी 1। इसके बाद है मैक्सिमम सेल्स फिगर इन इंडिया, कितना चीज इंडिया में बेसिकली ऑनलाइन सेल होता है, अपैरेल्स एंड एक्सेसरीज, कपड़ा और हम लोग का एक्सेसरीज 24% ऑनलाइन सेल्स होता है, इलेक्ट्रॉनिक 21%, ब्यूटी एंड पर्सनल केयर 19%, बुक्स 18%, हाउसहोल्ड प्रोडक्ट 18%, और एम कॉमर्स मतलब मोबाइल फोन्स, ये सब चीज जैसा खरीदना, इलेक्ट्रॉनिक एम कॉमर्स मतलब मोबाइल से परचेज कर लेते हैं लोग, मोबाइल में बैठ कर लोग कितने लोग परचेज कर लेते हैं 25%। तो बिगेस्ट ओनली मार्केट फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स, सबसे बिगेस्ट मार्केट याद रहे इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए है, ये इस यहाँ के डेटा से नहीं, क्योंकि ये परसेंटेज वैरी होता है, अभी के टाइम पे अगर बात करें तो सबसे ज्यादा बिगेस्ट मार्केट है ऑनलाइन का इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हम लोग सबसे ज्यादा ऑनलाइन खरीदते हैं। द कॉस्ट ऑफ रनिंग एन ई कॉमर्स बिजनेस इज मच लेस देन अ फिजिकल शॉप, मतलब फिजिकल शॉप को चलाना ज्यादा महंगा है और ई कॉमर्स में बिजनेस को चलाना सस्ता है। मोस्ट इंडियंस बाई ऑनलाइन बिकॉज इट इज वेरी कन्वीनियंट, ज्यादातर लोग ऑनलाइन सामान खरीदते हैं क्योंकि ये बहुत कन्वीनियंट है, बहुत इजिली खरीद लेते हैं हम लोग। अब कुछ टर्म्स हैं जिसको समझ लो, ईडीआई, ईडीआई का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, फुल फॉर्म याद करो, एग्जाम में एमसीक्यू में पूछेगा, ईडीआई का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, इसका मतलब क्या है, इट इज द सेम इंटर इट इज द सिक्योर इंटरचेंज ऑफ डेटा अमॉन्ग वेरियस पार्टीज इलेक्ट्रॉनिकली, हम लोग कोई भी चीज, ईडीआई क्या होता है, ईडीआई के थ्रू हम लोग कोई भी चीज इलेक्ट्रॉनिक जो शेयर करते हैं वो कॉन्फिडेंशियल ही रहे, लीक आउट नहीं हो, इसलिए हम लोग ईडीआई लगाते हैं अपने कंप्यूटर में, सॉफ्टवेयर है ये लगाते हैं, तो ये इंटरचेंज ऑफ डेटा मतलब सिक्योर इंटरचेंज कर सके। जैसे B2B, दे डोंट एक्सचेंज अ लॉट ऑफ डेटा, तो इन इन 2012 ई कॉमर्स सेल्स टॉप $1 ट्रिलियन
$1 trillion फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री। ई कॉमर्स इंडिया में सबसे ज्यादा कब अर्न किया था 2012 में? याद रहे 2012 में सबसे ज्यादा ई कॉमर्स सेल हुआ था $1 trillion। इन इंडिया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 गवर्न्स द बेसिक एप्लीकेबिलिटी ऑफ ई कॉमर्स। इंडिया में पूरा ई कॉमर्स को गवर्न कौन करता है, मतलब इसका एक्ट कौन सा है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, आईटी एक्ट 2000। इसमें ये ई कॉमर्स मतलब ई कॉमर्स का रूल्स एंड रेगुलेशंस इस एक्ट में लिखा हुआ है। ई कॉमर्स डज नॉट इम्पैक्ट द फिजिकल फ्लो ऑफ गुड्स। ई कॉमर्स में फिजिकल फ्लो ऑफ गुड्स नहीं होता है एंड सर्विसेज इन अ नेगेटिव वे। ऑन मतलब ई कॉमर्स डज नॉट इम्पैक्ट द फिजिकल फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन अ नेगेटिव वे। हम लोग ये नहीं कह सकते कि ई कॉमर्स के आ जाने से जो गुड्स का फ्लो है या सर्विस का फ्लो है उसको नेगेटिव, जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि ऑनलाइन बिजनेस हो जाने से तो ऑफलाइन मार्केट ही खराब हो गया है, सब लोग तो ऑनलाइन ही खरीद रहे। ऐसा नहीं है, ऑनलाइन ऑनलाइन की जगह है, ऑफलाइन ऑफलाइन की जगह है। ऑनलाइन के आने से ऑफलाइन मार्केट खराब नहीं हुआ है। जैसे बहुत सारे लोगों ने ऐसा भी कहा था कि अब तो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स ऑनलाइन मिलने लगा है तो जो बाहर शॉप है इलेक्ट्रॉनिक्स के उनसे कौन खरीदेगा, उनका क्या होगा। तो ई कॉमर्स ऑफलाइन मार्केट को खराब कर रहा है, पर ऐसा नहीं है। जो ऑफलाइन नहीं खरीद सकते हैं वही लोग जाकर ऑफलाइन खरीद रहे हैं, ऑनलाइन खरीद रहे हैं, तो इसमें ऑफलाइन वालों का कोई नुकसान नहीं हुआ है बेसिकली। तो ऑनलाइन शॉपिंग हैज अफेक्टेड इंडस्ट्री स्ट्रक्चर इन टू एरियाज दैट हैव सीन सिग्निफिकेंट ग्रोथ इन ई कॉमर्स, बुक शॉप एंड ट्रैवल एजेंसी। तो बेसिकली ई कॉमर्स ने फिजिकल फ्लो ऑफ गुड्स को और सर्विस को खराब नहीं किया है। फिजिकली जो ऑफलाइन मार्केट था वो अपनी जगह है, ऑनलाइन मार्केट अपनी जगह है। ई कॉमर्स ने जाकर फिजिकल मार्केट को खराब नहीं किया है, पर ऑनलाइन शॉपिंग से अफेक्टेड हुआ है। दो चीज अफेक्टेड हुआ है, मतलब दो चीज को नुकसान हुआ है, बुक शॉप को और ट्रैवल एजेंसी को। ट्रैवल एजेंसी की वजह से आज हम लोग कोई भी बाहर किसी शॉप में जाकर टिकट बुक नहीं करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, किसी घर से किसी को बोल देते हैं टिकट बुक करने, वो टिकट बुक करके हमें टिकट मेल कर देता है। तो बेसिकली ट्रैवल एजेंसीज को इम्पैक्ट हुआ है, बुक शॉप्स को भी इम्पैक्ट हुआ है। हम लोग ऑनलाइन ही बुक खरीद लेते हैं बेसिकली, और किसी बिजनेस को इम्पैक्ट नहीं हुआ नेगेटिव वे में। देयर आर कंपनीज दैट स्टार्टेड बिजनेस एज प्योर ई कॉमर्स। कुछ कंपनी तो स्टार्ट ही हुआ था ई कॉमर्स से, बट रिसेंटली एडेड फिजिकल स्टोर्स। वो पूरा स्टार्ट किया था अपने आप को ऑनलाइन, मतलब फिजिकल उसका कोई स्टोर था ही नहीं। जैसे वन प्लस, रियल मी, ये सब का ऑफलाइन कोई मोबाइल मिलता ही नहीं था, जिसको खरीदना है जाकर ऑनलाइन ही खरीदना पड़ता था। पर आज के डेट में देखा जाए तो इन लोगों ने भी ऑफलाइन मार्केट खोल लिया है। इसमें एक एग्जाम्पल है कैरेट लेन, ये नाम याद रखना, ये एमसीक्यू में पूछ सकता है। कैरेट लेन, कैरेट लेन क्या था, एक ज्वेलरी शॉप था, तनिष्क के पार्टनरशिप में था। ये जो कैरेट लेन था इसका कोई आउटलेट नहीं था मार्केट में, जो खरीदना है ऑनलाइन खरीदो। पर आज के डेट में कैरेट लेन बहुत सारे मॉल में मिल जाएगा। एमेजन इज एन इंटरमीडियरी ओरिएंटेड ई मार्केट प्लेस। सिस्को इज अ सप्लायर ओरिएंटेड ई मार्केट प्लेस, ये लर्न कर लो। एमेजन एक इंटरमीडियरी ओरिएंटेड ई मार्केट प्लेस, इंटरमीडियरी मतलब बिजनेस और कंज्यूमर के बीच का इंटरमीडियरी है, बीच में वो है। सिस्को कौन है, एक सप्लायर ओरिएंटेड ई मार्केट है, ये आईटी का मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का आईटी का सप्लायर है, ये सिर्फ सप्लाई करता है। जीई है जनरल इलेक्ट्रिक, इज अ बायर ओरिएंटेड ई मार्केट प्लेस, ये बायर ओरिएंटेड है। तो याद रहे कौन इंटरमीडियरी है, कौन सप्लायर ओरिएंटेड है और कौन बायर ओरिएंटेड है। इंट्रानेट क्या होता है, देखो इंट्रानेट क्या होता है, जो एक ही ऑर्गेनाइजेशन में आपस में लोग कम्युनिकेट कर सकते हैं। जैसे कि एक बैंक के अंदर अगर आज हम गए और ए नंबर काउंटर पे गए और पूरा बात बताए और मेरा फॉर्म, हमको अकाउंट ओपन करना था, मेरा अकाउंट ओपन करने का प्रोसेस ऑन हो गया है, ए नंबर काउंटर में उसने प्रोसेस कर दिया है। अब बोला अपना आधार कार्ड दीजिए, हम आधार कार्ड नहीं लाए, तो बोलेगा कल आके प्रोसेस करिएगा। हम घर चले गए, हम नेक्स्ट डे फिर आए, अब
ए नंबर काउंटर वाला आदमी है नहीं, तो हमको बोला बी नंबर काउंटर में चल जाओ। बी नंबर काउंटर में हम जाएंगे तो ऐसा नहीं है, हम सारा इंफॉर्मेशन तो ए काउंटर पे दिए थे, तो सारा इंफॉर्मेशन तो ए काउंटर में है। आज जब हम बी काउंटर में गए हैं तो मेरे को फिर से सारा बात नहीं बताना पड़ेगा। ए काउंटर में मेरे नाम पे उसने जो जो चीज का लिख लिया था, बी काउंटर में आज वो सारा चीज दिखाई देगा उसके कंप्यूटर में, क्योंकि उन दोनों का कंप्यूटर आपस में सेम इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा है। ये इंट्रानेट से पॉसिबल है। तो सारे बैंक में, इंश्योरेंस कंपनी में आपस में इंट्रानेट लगा हुआ रहता है कि एक ही कस्टमर को बार बार आके पूरा बात नहीं बताना पड़े। जो उसके कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन है वो उसके कंप्यूटर में भी इंफॉर्मेशन है। एक्स्ट्रानेट क्या होता है? इज अ नेटवर्क बिटवीन वन और मोर बिजनेस पार्टनर्स विच एट टाइम इज गिवन एक्सेस टू पार्ट ऑफ द इंट्रानेट व्हेन आउटसाइडर्स आर अलाउड टू एक्सेस द इंफॉर्मेशन। तो एक्स्ट्रानेट क्या होता है? जहां पर बाहर वालों को भी इंफॉर्मेशन होता है, जैसे कि जैसे सोचो हमें जानना है कुछ नेट बैंकिंग जो होता है, तो हम अपने अकाउंट का कुछ चीज को घर से भी एक्सेस कर सकते हैं, जो बैंक वाला भी कर सकता है और कस्टमर भी कर सकते हैं, पर कुछ काम के लिए हमें बैंक ही जाना पड़ता है, वो चीज हम घर से नहीं कर सकते हैं। तो इसका क्या मतलब है? एक्स्ट्रानेट होता है जो इंफॉर्मेशन बिजनेस के साथ भी शेयर होता है और कस्टमर के साथ भी शेयर होता है, आउटसाइडर्स भी उसे देख सकते हैं। जैसे हम अपना बैंक बैलेंस देख सकते हैं, हमें बैंक से कुछ अमाउंट ट्रांसफर करना है तो हम घर पे बैठ के कर सकते हैं, हमें कोई पैसा विड्रॉ करना है तो हम घर पे बैठ के कर सकते हैं, इतना एक्सेस हमें भी है। तो ये एक्स्ट्रानेट है जो बिजनेस के साथ आउटसाइडर्स के साथ भी शेयर होता है। इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस, ई गवर्नेंस क्या होता है? इसमें जो एक्ट का पार्ट डाला गया है ये ई गवर्नेंस है। फॉर डिलीवरिंग ट्रांसपेरेंट कन्वीनियंट एंड इफिशियंट गवर्नमेंट सर्विस पेमेंट एंड ट्रैकिंग ऑफ डिफरेंट टैक्सेस। मतलब ये सारे इंफॉर्मेशन जो टेक्नोलॉजी है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ये गवर्नमेंट से भी एक्सेस रहता है। मतलब गवर्नमेंट भी देख सकता है कि क्या गवर्नमेंट एफिशियंट गवर्नमेंट सर्विस हो रहा है, पेमेंट एंड ट्रैकिंग ऑफ डिफरेंट टैक्सेस, मतलब गवर्नमेंट के साथ भी इसका ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, गवर्नमेंट के साथ भी एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन कर सकते हैं। तो वो ई गवर्नेंस है, गवर्नमेंट के साथ भी हम सारा चीज ऑनलाइन कर सकते हैं। बस इतना ही है।